और भाई क्या हाल चाल यार, उसको एकदम बढ़िया होंगे फर्स्ट क्लास। भाई दो तीन बार रिटेक ले चुका हूँ, आई मीन वॉइस ओवर खेलने के लिए। बार बार यार गलती हो जाती है क्योंकि भाई दो दिन से कोई वॉइस ओवर नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं, और इसलिए यार रिटेक लेने में ही गलती हो रहा है। एनीवेज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ प्रॉपर एक वीडियो। मैं जैसे स्पेशली अपने वीडियोज को एडिट करता हूँ काइनमास्टर पर, क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट पर भी मैंने बोला था कि भाई एक काइनमास्टर टूर मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। सो वही इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर ए टू जेड बताने वाला हूँ। एक यूट्यूबर होने के नाते यार एक वीडियो ऐसा तो बनता है यार चैनल पर, ठीक है। आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगा जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ अपने वीडियोस पर, जिनको आई मीन आप में से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि भाई ये कैसे किया, वो कैसे किया। सो सारा चीजें कवर करने वाला हूँ। ओके सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ऑल राइट, तो भाई यहाँ पर मैं आ चुका अपने काइनमास्टर के अंदर। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना रेशियो चूज करूंगा 16:9। रेशियो चूज करने के बाद आपको अपना वीडियो चूज करना है, जो जो वीडियो आप ऐड करना चाहते हो या फिर एडिट करना चाहते हो। मोस्टली मैंने यहाँ पर अपना जो जो आई मीन कॉपीराइट नो कॉपीराइट इस तरह के वीडियोज ऐड कर लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद वीडियो ऐड करने के बाद अब यहाँ पर मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं यहाँ से एक ब्लैक कलर का लेयर ऐड करता हूँ, ठीक है। सो मान लो आप वीडियो पर जो भी कंटेंट दिखा रहे हो, जैसे कि आपका वीडियो पर क्या क्या ओवरव्यू होने वाला है, एक ओवरव्यू आप दे दोगे, ठीक है। सो यहाँ पर क्लिप ग्राफिक्स पर जाके ये जो लेक्चर टाइम देख सकते हो, ये वाला आप ग्राफिक्स डाउनलोड कर लेना, और इसमें आपको इस पार्ट पे आपको लिख लेना है। जैसे कि कंटेंट में मैं लिख देता हूँ वीडियो पर ट्रांजिशन है, एलिमेंट्स है, या फिर मान लो वॉइस ओवर है, या फिर एक्सपोर्ट सेटिंग है, ठीक है। सो इस तरह से आपको पहले लिख देना है। सो इससे थोड़ा आपको आई मीन आपका व्यूअर्स को आइडिया हो जाएगा, और इसे यार आप यूज़ कर सकते हो अपने वीडियोज़ पर भी, काफ़ी कूल लगेगा। आपका वीडियो पर जो जो चीज़ें पहले आप मेंशन कर दोगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। सो ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मैं बस आपको पर्सनली दिखा रहा हूँ। अब बात करते हैं यहाँ पर ट्रांजिशन की। तो ट्रांजिशन ऐड करने के लिए बीच पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ट्रांजिशन देखने को मिल जाते हैं, ये आपको तो पहले से ही पता होगा, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा सारा ट्रांजिशन, सारा ग्राफिक, जो भी चीज़ें मिलता है काइनमास्टर ऐसे स्टोर पर, सारा चीज़ें डाउनलोड कर लो। ये आपके वीडियोज़ पर यार काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर सारा डाउनलोड है, मैं काइनमास्टर प्रीमियम यूज़ करता हूँ, मैंने बाय किया, आपको तो पता ही होगा। सो अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे ओवरले ग्राफिक्स के बारे में। सो ओवरले ग्राफिक्स पर यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए आपको एक छोटा सा पार्ट यूज़ कर लेना है आपके वीडियो का ओवरले ग्राफिक्स के लिए। सो यहाँ पर सिंपली देखो मैं इस पार्ट को यूज़ कर रहा हूँ, क्लिप ग्राफिक्स पर जाऊंगा। नॉर्मली मैं अपने वीडियोस पर जैसे कि लाइक या फिर मान लो सब्सक्राइब का जो सोशल लिंक्स होते हैं वो आई मीन ऐड करता हूँ। सो यहाँ पर देखिए तो एक लाइक का है, एक सब्सक्राइब का है। सो इसे यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको वीगल वगैरह बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा सारा डाउनलोड कर लो, इसमें आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर बात करूँगा मैं इसे कैसे ऐड करता हूँ अपने वीडियोज़ पर। सो नॉर्मली इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक ब्लैक कलर का लेयर लेता हूँ, जैसे कि सॉलिड कलर देख सकते हो। सो इसे यहाँ पर ऐड करने के बाद मीडिया से, उसके बाद यहाँ पर मैं इसका टाइमिंग सेट करता हूँ 2-3 सेकंड। उसके बाद यहाँ पर जाता हूँ मैं क्लिप ग्राफिक्स पर, इसका नाम है गाइस ब्लैक ब्राउजर थीम, यहाँ पर देख सकते हो। इस पे यहाँ पर मैं अपना जो भी लिखना चाहता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ टिप्स नंबर 1, टिप्स नंबर 2, इस तरह से लिख के यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। सो देख सकते हो कुछ इस तरह से मैं अपने जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियोज होते हैं उससे पहले मैं इसे ऐड करता हूँ। सब बात करते हैं यहाँ पर हमारे कलर ग्रेडिंग के बारे में। तो भाई कलर ग्रेडिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक यूट्यूबर के लिए, मोस्टली अगर आप फेस कैम वीडियो वगैरह बनाते हो। जैसे कि मान लो ये वीडियो में बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, सो इसमें यहाँ पर मैं एडजस्टमेंट में जाऊँगा। अगर आप एडजस्टमेंट में जाके कलर ग्रेडिंग करते हो या फिर कलर एडजस्टमेंट करते हो, सो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। सो इसमें क्या करूँगा मैं, थोड़ा वार्म आई मीन यहाँ पर देख सकते हो वार्म है, सो मैं यहाँ पर इसका टेम्परेचर थोड़ा लो करूँगा। जैसे कि यहाँ पर मैं वाइब्रेंस वगैरह तो हाई कर रहा हूँ, साथ ही साथ टेम्परेचर लो करने से देख सकते हो जो हमारा कलर है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है। सो इसके दो पार्ट पर मैं डिवाइड करके एक साइड में नॉर्मल कर देता हूँ, जो जैसे नॉर्मल मिलता है, सो इस साइड में नॉर्मल कर देता हूँ, और राइट साइड में यहाँ पर हमारा ग्रेडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा नॉर्मल साइड है और ये हमारा कलर ग्रेडिंग साइड है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर आप डिफरेंस भी देख सकते हो। इसमें यार आप अपने फेस के वीडियोस पर भी इस तरह से अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी कमाल का लुक आता है। सो अब बात करते हैं यहाँ पर हमारा प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन रिमूवल के बारे में, कैसे आप प्रॉपरली ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर सकते हो, और उसमें थोड़ा बहुत आप इफेक्ट भी या फिर लाइटनिंग भी दे सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले आपको एक सॉलिड कलर लेना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये कलर लिया, ये भी ले सकते हो, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ये काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जाना है बिगनीट को अनेबल करना है। बिगनीट को अनेबल करने से देखिए तो थोड़ा शेड बढ़ेगा। आप क्या करना है, सबसे पहले एक आपको अपना ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड करना है। सो मेरे पास यहाँ पर अपना खुद का कोई ग्रीन स्क्रीन वीडियो नहीं है, सो मैं यहाँ पर अपना लैपटॉप का ऐड कर रहा हूँ जिसपे ग्रीन स्क्रीन यूज़ किया गया है। उसके बाद आप इसे फुल स्क्रीन करोगे, करने के बाद गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो लैपटॉप का आई मीन ग्रीन स्क्रीन है वो इतना अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर आप कह सकते हो इसका कलर एनहेंसमेंट नहीं है, ठीक है। सो इसे मैं थोड़ा यहाँ पर अपना कलर एडजस्ट करूँगा, जैसे कि कंट्रास्ट सेचुरेशन वगैरह यूज़ करूँगा आई मीन थोड़ा हाई करके। इससे क्या होगा कि भाई रिमूव करने में भी आसानी होगा, ठीक है। सो गाइस देख सकते हो काफ़ी सही हो चुका है। अब यहाँ पर हम जाएंगे क्रोमा की पर। क्रोमा की पर जाने के बाद गाइस यहाँ पर आप इसे अनेबल करोगे, अनेबल करने के बाद गाइस देख सकते हो थोड़ा शेड आ चुका है ऊपर, या फिर आप कह सकते हो थोड़ा आई मीन फेडेड हो चुका है।
उसके बाद यहाँ पर शो मास्क को अनेबल करके आपको इसे कुछ इस तरह से एडजस्ट करना है, जैसे कि इसका जो साइड है देख सकते हो एकदम डार्क दिखे, ठीक है, जैसे कि ब्लैक कलर एकदम डार्क दिख रहा है। इससे क्या होगा कि भाई आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है, ठीक है। सो इसी तरह से ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के बाद हमारा जो बैकग्राउंड है देख सकते हो ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा लाइटनिंग कैसे करना है आपके जो बैकग्राउंड है उस पर। सो यहाँ पर मैं चलता हूँ मीडिया पर, लेयर से मीडिया पर जाने के बाद गाइस देखो मैं यहाँ पर अपना लैपटॉप पर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपका कोई अपना खुद सामने आके वेबकैम वीडियो वगैरह बना रहे हो तो उस पर भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पर जाता हूँ गाइस फेवरेट पर और मैंने यहाँ पर अपना एक लाइटिंग ऐड किया है। आप अगर गूगल पर सर्च करोगे लेंस वगैरह इस तरह से सो आपको मिल जाएगा, इस तरह के लेंस बहुत सारे गूगल पर मिल जाते हैं, बस आपको साइड पर लिखना है PNG, ठीक है। सो PNG लिख के सर्च करोगे तो भाई मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इसे सेंड बैकवर्ड करना है और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है गाइस उसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको जाना है एडजस्टमेंट पर और मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आपको जाना होगा ह्यू पर। ह्यू पर जाके आपको ये जो सैन कलर है आप इसे यूज़ करो, बहुत ही गजब का लुक देगा आपके वीडियो को, ठीक है। सो यहाँ पर जो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर यूज़ किया और इसे मैं डुप्लीकेट करके इसका लेफ्ट साइड पर भी एक और ऐड कर देता हूँ। अब गाइस देख सकते हो कैसा प्रॉपर हमारा वीडियो लग रहा है, ठीक है। तो आप सोच सकते हो अगर आप खुद सामने आके बनाओगे तो भाई कैसा लगेगा ये लाइट ऐड करने के बाद, ठीक है। सो गाइस अब बात करते हैं यहाँ पर हमारे वॉइस ओवर एंड बैकग्राउंड म्यूजिक के बारे में। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर आप अगर वॉइस ओवर करना चाहते हो तो रिकॉर्ड पर जाओगे। मैं नॉर्मली यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ सो इसलिए वॉइस ओवर नहीं होगा, पर ऊपर से मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। सो यहाँ पर अगर आप अपने वीडियो को देख देख कर वॉइस ओवर करना चाहते हो तो भाई सही है। सो यहाँ पर गाइस देख सकते हो मान लो यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक अपना वॉइस ओवर किया, ठीक है, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक। सो मान लो आपने यहाँ पर बंद किया है, आप यहाँ पर दोबारा से कब स्टार्ट करोगे, थोड़ा बीच में से स्टार्ट करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बीच में से स्टार्ट किया और जब ये ख़त्म हो जाएगा फर्स्ट लेयर उस जगह से मैं दोबारा से बात करना स्टार्ट करूँगा, थोड़ा मैं पोज रखूँगा और उसके बाद से बात करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है, और बाद में ट्रिम करके उस अनवांटेड पार्ट को भी हटा दूंगा। अब गाइस मैं यहाँ पर वॉल्यूम एनवलप पर जाके एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे कि मान लो वॉइस ओवर करते टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि भाई किसी भी पार्ट पर साउंड कम ज़्यादा हो गया, सो इस तरह से कम भी कर सकते हो, हाई भी कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। मान लो गाइस यहाँ पर हमारा वॉइस ज़्यादा है तो इस तरह से कम कर सकते हो, या फिर जिस जगह पर कम है उस जगह पर हाई कर सकते हो, ठीक है। सो इसी तरह से यार किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब गाइस मान लो मैं यहाँ पर अपना एक बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड कर रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड किया। बैकग्राउंड म्यूजिक ऐड करने के बाद उससे सबसे पहले आप डकिंग को अनेबल करना। डकिंग को अनेबल करने से क्या होगा कि भाई वो बैकग्राउंड म्यूजिक आपके बैकग्राउंड पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, अप्लाई होगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो भाई लूप कर सकते हो। लूप करने से क्या होगा कि भाई आप कुछ इस तरह से आप इसे ड्रैग करके थोड़ा लंबा कर सकते हो आपके बैकग्राउंड म्यूजिक को, ठीक है। इससे क्या होगा बार बार आप उसे ऐड करना नहीं पड़ेगा। अगर आप इसे लूप टू एंड करोगे तो भाई आपके पूरा वीडियो पर आ जाएगा। सो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि गाइस देख सकते हो यहाँ पर हमारा एक ऑडियो है और बीच में थोड़ा गैप है, ठीक है। बीच में आप बहुत बार ऐसा होता है कुछ बात करते नहीं हो या फिर कुछ ट्यूटोरियल आप दिखा रहे हो, सो उस टाइम क्या करना चाहते हो कि भाई आप चाहते हो उस टाइम आपको आपका बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो हाई चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से यार दो साइड पर पिन करोगे आपके आपका जो ऑडियो है उसके हिसाब से। पिन करने के बाद बीच में आप इसका वॉल्यूम एनवेलप को हाई कर दोगे और इसका जो साइड का जो भी म्यूज़िक है उस तरह से आप इसे कम कर दोगे, जैसे कि 25-30 आप कर दोगे। मैं नॉर्मली 25-30 करता हूँ। सो यहाँ पर देख सकते हो साइड का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है उन्हें आप कम कर दोगे, ठीक है। सो इसी तरह से यार बीच बीच में भी मैं अपना जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है उसे हाई करता हूँ, लो करता हूँ। सो इसी प्रोसेस से आप भी कर सकते हो। सो ओवरऑल गाइज मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में बता दिया। अब गाइज हम बात कर लेते हैं एक्सपोर्ट सेटिंग के बारे में। सो यहाँ पर मैं नॉर्मली एक्सपोर्ट करता हूँ 1080p और 60fps पर, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है मेरा। सो अगर आपको एक प्रॉपर वीडियो चाहिए एक्सपोर्ट सेटिंग का, सो मैंने यहाँ पर आई बटन पर बहुत पहले एक वीडियो बनाया बहुत ही अच्छी तरीके से, तो वो जाके आप देख सकते हो, ठीक है। सो ऑलराइट गाइज मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कैसे कैसे मैं चीज़ें ऐड करता हूँ, एडिट करता हूँ थोड़ा बहुत, मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं। और भी बहुत सारी चीज़ें आप अगर ट्राई करोगे तो भाई कर सकते हो। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना गाइस, टेक केयर एंड बाय।